हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हमने एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स मैनेजमेंट स्टार्ट करा था, जिससे मैं यूनिट नंबर फर्स्ट से लेके फोर्थ में एडवर्टाइजमेंट कंप्लीट करवा चुकी हूँ। अब हमने यूनिट नंबर फिफ्थ स्टार्ट करी थी, जो हमारी यूनिट नंबर फिफ्थ और सिक्स्थ सेल्स मैनेजमेंट से रिलेटेड है। तो हम यूनिट नंबर फिफ्थ पे हैं। आपको मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्स मैनशिप के बारे में और हमारा सेल्स मैनेजमेंट के बारे में। उसके सेल्स मैनशिप के हमारे क्या फीचर्स होते हैं, कितने टाइप्स होते हैं, हम उसके भी इसके बारे में भी आज बात करेंगे। सेल्स मैनशिप इज द प्रोसेस वेयर बाय द सेलर असर्टेन एंड एक्टिवेट द नीड्स एंड वॉन्ट ऑफ द बायर एंड सेटिस्फाई द नीड्स एंड वॉन्ट ऑफ द म्यूचुअल कॉन्टिन्यूस एडवांटेजेस ऑफ बोथ द बायर एंड सेलर। तो जो सेल्स मैनशिप होता है, ये हमारा एक वो प्रोसेस होता है जो किससे रिलेटेड होता है, हमारे सेलर से। और वो क्या, वो फुलफिल करता है हमारे कस्टमर्स के नीड्स और वांट को, और सेटिस्फाई करता है कस्टमर्स के नीड्स एंड वांट को, और उन दोनों के बीच में एक बहुत ही अच्छा रिलेशन ये बिल्ड करता है। सेल्स मैनशिप इज द एबिलिटी टू परसुएट पीपल टू बाई गुड्स और सर्विसेज एट अ प्रॉफिट टू द सेलर एंड विद बेनिफिट्स टू द बायर। तो सेल्स मैनशिप के अंदर हम ये देखते हैं कि वो किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है कस्टमर्स को कि वो हमारे गुड्स और सर्विसेज को परचेज करें, और इससे हमें एक प्रॉफिट देखने को मिलता है, और उसके बाद ये बेनिफिट देता है हमारे बायर्स को। फ्रॉम दिस डेफिनेशन इट इज क्लियर दैट सेल्स मैनशिप इज नॉट जस्ट हैंडलिंग ओवर ऑफ गुड्स टू कस्टमर एंड टेकिंग द मनी फ्रॉम देम। ट्रू सेल्स मैनशिप नॉट ओनली एन आर्ट ऑफ इंक्लूडिंग द कंज्यूमर टू बाय गुड्स बट ऑल्सो एन आर्ट ऑफ गाइडिंग देम टू बाय वॉट दे नीड। तो जो हमारा ट्रू सेल्समैनशिप होता है, उसके अंदर हमने ये देखा कि जो सेल्समैनशिप होता है उसका बस एक यही प्रॉफिट नहीं होता कि वो मनी गेन कर सके, बट इसका मेन मोटिव क्या होता है कि वो अपने कस्टमर को एजुकेट कर सके कि क्या चीज उनको खरीदनी चाहिए और क्या चीज उनको नहीं खरीदनी चाहिए। तो एक ट्रू सेल्समैनशिप का मीनिंग यह आता है कि वो अपने कस्टमर्स को बता सके, उनको गाइड कर सके, गाइड देम टू बाय व्हाट दे नीड, कि उनको किस चीज की जरूरत है। तो अब हम फीचर्स की बात करते हैं। फीचर्स ऑफ सेल्समैनशिप के अंदर आता है, ये एक फेस टू फेस कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। इसके अंदर हम परसुएशन करते हैं, उनको परसुएट करते हैं, एंड नॉट कंपल्शन। हम उन्हें ये नहीं बोलते कि आपको लेना जरूरी है। जैसे अब हम बहुत सारी दुकानों में जाते हैं तो वो लोग हमें बोलते हैं कि आप प्लीज एक बार हमें देखें तो सही, हमारे प्रोडक्ट को देखिए, देखने के पैसे नहीं लगते। तो इसके अंदर हम ये बोलते हैं कि इसमें कंपल्शन नहीं है, अगर आप एक बार देखो, हमारे प्रोडक्ट को देखो, उसके फीचर्स देखो। क्रिएट द नीड टू बाय द प्रोडक्ट, हम उसको इस तरह से प्रोडक्ट को दिखाते हैं कि कस्टमर्स को ये लगता है कि उनको इस प्रोडक्ट की जरूरत है। विनिंग द बायर कॉन्फिडेंस, अपने बायर के कॉन्फिडेंस को जीतना। साउंड एंड लास्टिंग रिलेशन, अपने लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन को क्रिएट करना। एडजस्ट द मैसेज एंड इमिडिएट फीडबैक, और हाथों हाथ उनसे फीडबैक भी लेना। अब इसके टाइप्स के अंदर आता है, जो हमारे थ्री टाइप्स थे हमने कल देखे थे पर्सनल सेलिंग के। अब हमने थ्री टाइप्स देखे थे हमारे इसके सेलिंग के, जिसके अंदर था ऑर्डर टेकर, ऑर्डर क्रिएटर और ऑर्डर गेटर। अब आज हम बात करते हैं हमारे सेल्स पर्सन के फाइव टाइप के बारे में। ऑर्डर टेकर, क्रिएटर और गेटर, ये तीनों तो हमारे सेलिंग के अंदर भी थे, बस इसके दो और ऐड हो जाते हैं, डिलीवरी सेल्समैन और लास्ट आता है न्यूज़ बिजनेस सेल पीपल। तो ये है इसके फाइव टाइप्स ऑफ सेल पर्सन। अब हम बात करते हैं सेल्स मैनेजमेंट की, हम अपनी सेल को किस तरह से मैनेज करेंगे। सेल्स मैनेजमेंट इनिशियली वॉज मेंट टू बी डायरेक्शन ऑफ सेल फोर्स पर्सनल। तो इनिशियली ये किसको डायरेक्ट करता था, सेल्स फोर्स पर्सनल को। द टर्म सेल्स मैनेजमेंट इंक्लूडेड मैनेजिंग ऑफ ऑल सेल्स प्रमोशनल फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन प्राइजिंग एंड प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग। तो जो सेल्स मैनेजमेंट होता है उसके अंदर हम क्या क्या इंक्लूड करते हैं, सारी सेल प्रमोशनल एक्टिविटी को इंक्लूड करते हैं। इसके अंदर हम फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, अपने प्राइजिंग के बारे में बात करते हैं और प्रोडक्ट मर्चेंडाइजिंग के बारे में बात करते हैं। अब इसके क्या क्या नेचर होते हैं, ये एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम में चलता है। परसुएसिव फंक्शन, ये यूनिवर्सल फिनोमिना है, गोल ओरिएंटेड, इससे हम गोल को अचीव करते हैं। कंटिन्यूस प्रोसेस है, एक चीज के बाद खत्म होने के बाद दोबारा स्टार्ट हो जाता है। इंटीग्रेशन विद द मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये इंटीग्रेट होता है, मतलब अपने मार्केटिंग को साथ में लेके चलता है, और इसके अंदर हम अपने रिलेशन देखते हैं सेलिंग के साथ में। तो ये थे हमारे सेल्स मैनेजमेंट, और यहाँ पे हमने बात करी सेल्स मैनशिप के बारे में। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही,
और आपको मेरी प्रीवियस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नोट्स की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।